हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टारगेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेके आए हैं बाल विकास का टेस्ट पेपर, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे। 30 में से देखते हैं आप कितने सही कर पाते हैं। जितनी ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपके क्वेश्चन सही होने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूल अनुकूलन और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो प्रश्न नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? जो एक प्राथमिक का शिक्षक है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और लगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, धैर्य और लगन। मतलब उसे धैर्य होना चाहिए और लगन। धैर्य मतलब कोई बच्चा अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे बर्दाश्त करना चाहिए उसकी, ऐसा नहीं जैसे तुम डायरेक्ट उसकी पिटाई लगाने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होता ही है धैर्य और लगन। नेक्स्ट है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार और मेरा विद्यालय। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, मेरा परिवार। जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने परिवार में सीखता है, सबसे पहली कक्षा उसकी परिवार होती है। नेक्स्ट है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1990 में, 1993 में, 1998 में, 2000 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, 1993 में। प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू किया गया है? तो 1993 में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अच्छा नागरिक बनना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, व्यवहारिकता का निर्माण करना, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर पांच का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें, बड़ा मजा आने वाला है इसमें। पूरे 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं हम। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर आपको बताना है, इसमें है, फिरोवेल ने निम्न में से किस खेल का प्रमुख बल दिया है? मतलब किस खेल पर बल दिया है, कौन सा खेल है? गेंद का खेल है, या ब्लॉक का खेल है, आकृतियों का खेल है, ये सभी। तो प्रश्न नंबर छः का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वन। बहुत से बच्चों ने ये याद कर रखा है ना, फिरोवेल जो हैं खेल विधि के संस्थापक हैं, खेल विधि के संस्थापक हैं, खेल विधि को इन्होंने प्रोत्साहन दिया है। अब किस खेल पे अधिक प्रोत्साहन दिया है? तो किस पे दिया? गेंद के खेल पे, जो गेंद का खेल होता है ना उस पे इन्होंने अधिक प्रोत्साहन दिया है। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है, जो ये प्रयोगात्मक विधि है इसे सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया है? ऑप्शन है जुन ने, ऑप्शन दो है राइस एम कार्लमैन ने, ऑप्शन तीन है विलहेम बुट ने, ऑप्शन चार है कोलिंस व ड्रेवर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलहेम बुट ने, ऑप्शन तीन इसका जो है राइट हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था तो विलहेम बुट ने किया था। नेक्स्ट है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? बालक का जो चिंतन है किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, ये बताया गया है इन पर। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आत्म केंद्रितता, ऑप्शन दो है सजीव
तबात, सजीवतावाद ऑप्शन 3 है, यथार्थवाद ऑप्शन 4 है, व्यक्तिकवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिकवाद। इससे जो है आपका चिंतन का मतलब चिंतन प्रदर्शित इससे नहीं होता है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, परिपक्वन, सामाजिक अनुभव, क्रियाकलाप। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव जो होगा वह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित जो है वो नहीं करेगा। भाषा है, परिपक्वता है, क्रियाकलाप है, ये जो है सब संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मतलब इसमें से कौन सा तंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। इसके चार ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा इसका राइट होगा उसको बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। कौन सा नहीं है इसमें पूछा है? व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये गलत है। मतलब सब बहुत सारे विषयों में करना चाहिए, सामाजिक है, आर्थिक है। नेक्स्ट है, कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। ये संबंधित है, तो आपको बताना है किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से और आपका शारीरिक विकास विकास से। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संवेगात्मक विकास से। नेक्स्ट है, विकृत लिखावट में से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? मतलब जैसे लिखावट में कमी आ रही है, मतलब लिख नहीं मिल रहा है सही, तो उसमें किसका लक्षण होता है? डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया जो होता है ये वाला, ये आपका गणित से, मैथ से, संख्या से संबंधित होता है। और डिसलेक्सिया जो होता है वो आपका पठन, जैसे उल्टे, जैसे कोई बच्चा है वो उल्टे वर्ड पढ़ रहा है तो उसे डिसलेक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कौन सा है? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। नेक्स्ट है, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो कौन होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक, निर्भर। तो चार ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? वो होता है अंतर्मुखी। नेक्स्ट है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है, जो अपने ऊर्जा को बाहर की ओर व्यक्त करता है उसका कैसा प्रकार होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखरी मतलब बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कलात्मक व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, ये विचार है किसके द्वारा दिया गया है ये विचार?
आपके थान डाइक हैं, जीन पियाजे हैं, वाटसन हैं, वाइगोत्स्की। तो ये अभ्यास का किसने दिया है? ऑप्शन वन इसका राइट हो जाएगा, थान डाइक। थान डाइक ने ये बताया है कि जितने अभ्यास के द्वारा जितने बच्चे टूटिया करते हैं उतने, ये विचार किसने दिया था? थान डाइक ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, आपका गतिक परिक्रमण, विचार करना, सहानुभूति देना। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सहानुभूति देना। नेक्स्ट है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारात्मक मतलब व्यवहार परक प्रक्रियाओं के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वो क्या कहलाता है? अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, अभिप्रेरणा। मतलब अभिप्रेरणा जो होती है वो आपकी मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, जैसे मोटिवेशन, किसी बच्चों को समझाया आपने बड़े बढ़िया तरीके से तो वो समझ गया बच्चा, वो बढ़िया व्यवहार करने लगा, ये कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरण। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आवश्यकता। मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो अपने आप इस्तेमाल करने लगते हैं। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या का मतलब समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र कैसा होता है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अपनत होता है, समान रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, बेहतर होता है। ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है जब बच्चे समूह में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु ये एक नमूने का अनुगम करती है। मतलब एड़ी से चोटी को ओर, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो कौन सा इसका राइट होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है, नमूने के अनुसार मतलब अनुबंध करती है ये क्रिया जो है। नेक्स्ट है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट होगा, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो क्यों होते हैं, ऐसा पूछा गया है यहाँ पर। वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, अनुवांशिक और वातावरण के बीच जो अंतःक्रिया होती है उनके कारण। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो वंशानुगत होता है, वातावरण, इन दोनों के कारण जो अंतःक्रिया होती है उसके कारण जो है व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है एक दूसरे में। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भाववात्मक जागृति द्वारा, एक और दो दोनों सही हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, भाववात्मक जागृति द्वारा। अभिप्रेरणा वर्णित होती है किससे होती है? भाववात्मक जागृति द्वारा। नेक्स्ट है, चिंतन मानसिक क्रिया का
पहलू है। कौन सा पहलू है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, ज्ञानात्मक। कौन सा होता है? ज्ञानात्मक, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी कौन थे? उन्होंने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। तो ऐसे हमारे बहुत व्यवहारवादी जो थे हमारे, वो थे आपके वाटसन। इन्होंने कहा है बच्चा मुझे दे दो, मैं उसे जो चाहूं वो बना सकता हूं। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है किसकी? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता। मतलब जब आप, जब तीव्रता का मतलब है जब आप सक्रिय होते हैं, जब आपका दिमाग तेज होता है, एकदम केंद्रित होता है, तो आप ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम। क्या कहते हैं? अधिगम। नेक्स्ट है संज्ञान किस बुद्धि, किस सिद्धांत का हिस्सा है? प्रीति दर्शन सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड का, क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर जो है इसका राइट हो जाएगा फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन होगा फ्रेंड ये हमारी इस वीडियो का। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? अब आप इसे बड़ी आसानी के साथ निकालते हैं। इसका सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 इक्वल टू 100। मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं मानसिक आयु कितनी है इसकी? 10 वर्ष। तो आप क्या करेंगे? पहले 10 लिखेंगे, वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष। अब क्या करेंगे? इसकी 100 से जो है गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 125, क्योंकि 8 से ये काट देंगे, जैसे ये काटेंगे आप 2 से, 2 5 10, 5 आ गया, 2 चौक 8, 4 आ गया। अब 4 25 100 हो गया, ये 25 आ गया। अब 25 की और 5 की गुणा करेंगे, 25 5 125। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से साथ निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 125 का जो है राइट हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिल सके। और जिसने इससे पहले वाले टेस्ट पेपर नहीं लगाए हैं वो टेस्ट पेपर लगा लें पहले वाले, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा टेस्ट पेपर करते हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।